हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और एज यूजुअल मैं खाना बना रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों तक शेयर करने वाले हूँ, सबसे फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कीवीएस एग्ज़ाम डेट को लेकर, और सेकेंडली ये कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी याद आ जाता है क्योंकि आई एम ऑल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, तो मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ। जैसे कोशिश करती हूँ कभी कभी उसको भी पढ़ने की, तो वही है कि केवीएस की तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ वो सब मैं आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी पेडागॉजी पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं लुसेंट पढ़ूंगी, वोकैब्स लर्न करूँगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो चैनल पर मेरे पहली बार जो भी आए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए और अपने लाइफ में मोटिवेशन ऐड करने के लिए। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। और वीडियो को लाइक करना है, आप लोगों को शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को और आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, क्या अपने आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है। तो आप लोग भी अपने शेयर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी कॉमेंट के ज़रिए, मुझे वेट रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो मैं जिस पर्पज़ से मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ तो उसको लोग करते हैं। मेरे एग्ज़ाम है तो कितना सच है कितना झूठ है वो तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। ऐसा बात नहीं है कि अभी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन ये मैं सोचा कि इसीलिए मैं भी बना रही हूँ। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको पता चल चुका है कि सच्चाई क्या है तो आप अब वीडियो देखना बंद कर दीजिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, नहीं होने वाला है। अगर आप एक सेंसेबल पर्सन हैं और एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो केवीएस का वेबसाइट है आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का डेट कब है नहीं है। सबसे पहले केवीएस वहीं पे अनाउंस करेगा कि एग्ज़ाम कब उसको लेना है और कब नहीं लेना है। और इतना भी नहीं, ये एक बहुत ही हाई लेवल एग्ज़ाम है तो आप इतना माइंड यूज़ कीजिए अपना कि तुरंत एग्ज़ाम नहीं लेगा, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 मंथ देना ही देना है, एग्ज़ाम का टाइम है उसके लिए। तो आप लोग थोड़ा अपना माइंड यूज़ कीजिए, आप लोग अपने पढ़ाई पे कीजिए। देखिए होता क्या है कि अभी बहुत सारे जो बैच हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैच आपको पता ही है कि सब लोग परचेस कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो किसी किसी को भ्रमित कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट भ्रमित हो जाएं, डर जाएं कि अरे इतना कम टाइम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग की तैयारी होगी। तो थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। एग्ज़ाम जब होना है तब होगा है होगा ही। देखिए एग्ज़ाम का डेट जो भी रहेगा उसमें चाहे आप तैयारी करें हो तब भी आपको जाके देना है, अगर आपका पूरा तैयारी है नहीं है तब भी आपको जाके देना है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए कि आपको कितना तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आपको कौन सा सिलेबस कब कंप्लीट करना है, आप इस पर फोकस कीजिए। आप इस पर फोकस मत कीजिए कि एग्ज़ाम डेट आ गया है तो आप पूरा दिन निकाल दीजिए देखने में, कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका टाइम वेस्ट होगा और लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत कीजिएगा कि कब होना है एग्ज़ाम, नहीं होना है। जब होना होगा वो केवीएस बता देगा कि कब होगा एग्ज़ाम, तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी बट लगा कि नहीं बनाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं यूट्यूब के तो उनको भी इन्फॉर्मेशन देना इम्पॉर्टेंट है, बस इसी वजह से मैं बता दे रही हूँ आपको कि ये गलती मैं कभी नहीं करती हूँ। कि मैं अभी तक आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, मुझे इतना पता है कि हाँ मेरा अभी तैयारी नहीं हुआ है, तैयारी भी करना है और जब एग्ज़ाम होने का होगा तो होगा। कुछ लक भी आपके साथ रहता है, ठीक है, मेहनत के साथ आपका लक भी आपको साथ आपका हेल्प करता है। तो अपने लक पर बिलीव कीजिए और अपने हार्डवर्क पर मेहनत कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि कब एग्ज़ाम होगा, अरे नहीं तैयारी हुआ तो कैसे होगा। खासकर देखिए जितना आप तैयारी करते हैं उतना आप डरते हैं, और एक सीरियस स्टूडेंट वही है जिसको अपनी तैयारी करते वक्त डर लगते रहता है कि पता नहीं मेरा तरीका सही है पढ़ने का, मैं सही पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़। PW वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलक पांडे सर एंड PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको नीट, JEE, कॉमर्स, NDA और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। PW लाखों स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस है, इसीलिए PW लेकर आए हैं UPSC के स्टूडेंट के लिए UPSC वाला। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं ड्यूरिंग UPSC प्रिपरेशन, तो इसमें क्या होता है, जो एस्पिरेंट होते हैं उनका सपना होता है कि वो IAS बने, IAS बने, IPS बने और अपने फैमिली को, पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। लेकिन इसके लिए क्या हो जाता है कि उनको, उनके लिए जो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, महीने लग जाते हैं समझने में, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, सही स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाती है, उनको कैसे पढ़ना है ये पता नहीं चल पाता है। वो चाहते तो हैं कि वो क्रैक करें एग्ज़ाम बट किसी न किसी रीज़न से वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे ज़्यादा जो हाई कॉस्ट ऑफ फी होता है,
जिसको हर स्टूडेंट हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है और बड़ा बड़ा कोचिंग में ज्वाइन नहीं ले सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी वाला ने लेकर आए हैं प्रीलिम्स फोकस बैच 2023, जो आपको मिलेगा 3499 रुपये में। ठीक है, तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सी सैट आपका पेपर है उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंस है कि इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है इस पेपर को, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, तो आपको इसी कॉस्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए कोई अलग से आपको चार्जेस नहीं देने होंगे। साथ में आपको होगा कि प्रिलिमिनरी टेस्ट आपके लिए जाएंगे, रिवीजन करवाए जाएंगे, बुकलेट आपको दिए जाएंगे और PYQ आपके एनालिसिस किए जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा आपका जो डाउट होगा, जो आपके अंदर शंकाएं होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी आपके क्लियर किए जाएंगे। तो ये बैच मिल रहा है आपको 3499 रुपये में। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते, तो जिन्हें भी अपना सपना पूरा करना है और यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करना है तो वो एडमिशन ले ले, क्योंकि ये जो ऑफर है वो आपका क्रिसमस और न्यू ईयर पे दिया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या है कि यूट्यूब चैनल भी इनका दो है, तो यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप उसमें जाके फ्री के कॉन्टेंट आप देख सकते हैं, टॉपिक देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब साथ में क्या है कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको करंट अफेयर मिलेंगे, ऑल क्लासेस के टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, और प्री और मेंस का आपका मंथली मैगजीन दिए जाएंगे, वीकली संडे टेस्ट होगा, और जो भी आपको स्लाइड से पढ़ाए जाएंगे उसका आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्लस में अगर आपका ऑप्शनल भी है सब्जेक्ट इसमें आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश, और हिंग्लिश आप समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिला के पढ़ाया जाएगा, मतलब बाइलिंगुअल होगा, हिंदी के स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करेंगे और इंग्लिश के स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट के बेस पे ही, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। मैं कैसे प्रयास करती हूँ वो मैं आप लोगों तक शेयर कर देती हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज पे आते हैं। ऐसे तो मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट मैं स्पेशली बता देती हूँ कि लैंग्वेज का पोर्शन है वो आपके पास जो भी बुक है, ऐसा नहीं है कि लूसेंट अगर नहीं है तो आपको लूसेंट ही खरीद के लाना है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी ग्रामर का बुक होगा उसको आप खरीदिए, आपके पास है उसको पढ़िए, या आपको नहीं समझ में आता है तो टॉपिक को गूगल में सर्च कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसको आप नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। जैसे कि सपोज दैट आप संज्ञा पढ़े हैं, ठीक है, बुक से पढ़ लिए आप और उसको आप नहीं आपको समझ में आया तो आप गूगल पे सर्च किए संज्ञा क्या है, या आप यूट्यूब पे सर्च किए आप उसको एक नोट्स फॉर्म में बना लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाना है। और आपको क्या करना है कि संज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको यूट्यूब में मिलता है आप उसको सर्च कीजिए कि संज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसका आप सुनिए, काम करते वक्त सुनिए, उसको लिखने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, काम करते वक्त आप सुन सकते हैं तो आपको उस तरह से वो एक टॉपिक कवर हो जाएगा। उसी तरह से आप इंग्लिश का भी कर सकते हैं, सेम टू सेम रूल आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप वोकैब्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वोकैब्स ऐसा ही चीज़ है जो हम लोग को फंसाता है हर जगह, पैसेज भी है तो वोकैब्स पर ही डिपेंड करता है, तो आप वोकैब्स पर ज़्यादा वर्क कीजिए। अब आते हैं जीके पे, तो जीके के लिए आपके पास लूसेंट होगा ही होगा, आई थिंक ऐसा कोई नहीं स्टूडेंट है जिसके पास लूसेंट नहीं होगा। आप लूसेंट को एकदम बिल्कुल पढ़िए, या आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है जैसे कि जीके का होगा, जीएस का होगा ऑब्जेक्टिव वाला जिसमें कि सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा, या नहीं है तो आपको पता है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, उसका आप ऑब्जेक्टिव सर्च कीजिए और ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, इस बात को ये कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ लिखना है तो आपको नोट्स बनाना है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सर्च करते जाइए टॉपिक और आप उसको सुनते जाइए, काम भी कर रहे हैं सुनते भी रहिए, और अगर लगता है कि नहीं आपको लिख के याद होता है तो आप लिख भी सकते हैं, आप वो आप पे डिपेंड करता है। उसी तरह से आप सब चीज़ें कर सकते हैं। और मैं टॉपिक भी बता चुकी हूँ कि आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है, जैसे खेल खिलाड़ी पढ़ना है आपको, पुरस्कार पढ़ना है आपको, फिर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है आपको, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, 5-year प्लान पढ़ना है, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, और आपको इसी तरह से मूव में रहना चाहिए कि हाँ ये पढ़ना है आपको, तभी आप उसको सर्च कर पाइएगा। ये हो गया। उस तरह से कंप्यूटर पे आप पढ़िए, जैसे इंटरनेट पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिए, फिर शॉर्टकट्स जो आते हैं वो पढ़िए। ठीक है, वो हो गया। फिर आते हैं उसके बाद क्या है, करंट अफेयर किसी भी चीज़ का फॉलो कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, तो आप किसी का भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो बुकलेट जो मैगजीन आएगी आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप डेली अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अब आपका आता है पैडागोजी। ठीक है, तो पैडागोजी में ही आपको वर्क करना है, जितना भी अपना आप एफर्ट लगाना चाहते हैं वो पैडागोजी में लगाइए। तो पैडागोजी में भी सेम पैटर्न बैठता है कि किसी भी यूट्यूब चैनल का फॉलो कीजिए
और उसका आप नोट्स बनाइए। मैं यहाँ पे नोट्स पे फोकस करूँगी क्योंकि जो पैडागॉजी है वो थोड़ा सा दूसरे लेवल पे आ रहा है, तो उसको आप लिखिएगा और बार बार पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया होता जाएगा। और प्लस में जो भी आपका जो भी आपका टॉपिक है, जो सिलेबस में आपका मेंशन है, जैसे एडोलेसेंस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मैच्योरिटी है, ये सब है, आप उसको नोट्स बनाइए, ठीक है। और मैं नोट्स अपना ढूंढ रही हूँ, मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी, ठीक है। वो किया उसके बाद आपका आएगा अपना सब्जेक्ट कंसर्ट, तो आप उसको अपने तरीके से पढ़िए। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको बुक ले आइए एनसीईआरटी का और उसको पढ़िए। ज़्यादा आपको भागने का जरूरत नहीं है इसके पीछे उसके पीछे, और एग्ज़ाम कब है ये उस सब पे मत जाइए। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। और एक मंथ निकल चुका है, ठीक है। इस एक मंथ में आप अगर फ्री हैं, जैसे कि आप अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने का, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप जैसे कि आप माँ हैं और आपको दिक्कत होता है पढ़ने में, बच्चे हैं साथ में, तो आप कम से कम 10% में, आप कम से कम 4% में आप उसको कम से कम कंप्लीट रखिए। तो आप तो देखते ही पढ़ने का तरीका कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत इजी है, बहुत हद से ज़्यादा परेशान करती है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। आपके पास बच्चे बच्चे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितना मुश्किल लगता है। तो खैर अब हम लोग कैसे कहते हैं कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, वो वाला हाल हम लोग के साथ है। तो हम लोगों को अब सोचना नहीं है, बस चलते जाना है, बढ़ते जाना है। तो तैयारी को स्ट्रांग रखिए।